चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। जिस फिल्म का इंतजार भोजपुरी दर्शक काफी लंबे समय से कर रहे हैं, उसके लगे भोजपुरी दर्शकों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लल्लादम, निरहुआ और आम्रपाली दुबे के साथ यामिनी सिंह अभिनीत भोजपुरी मूवी लल्लू की लैला के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि लल्लू की लैला 15 अगस्त के आसपास भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली थी, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण से फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा दिया गया है। फाइनली फिल्म का नया रिलीज डेट भी सामने आ चुका है। जी हां, आपको बता दें कि लल्लू की लैला 13 सितंबर से और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन को बिल्कुल तैयार है। मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो फिल्म को एक साथ पूरे भारत में प्रदर्शन करने की तैयारी चल रही है। लल्लू की लैला में जुबली स्टार दिनेश लल्लादम निरहुआ लल्लू बनकर सभी दर्शकों का मन बहलाने वाले हैं। तो वहीं दोनों अभिनेत्री लल्लू को अपना बनाने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आने वाली है। आपको बता दें कि फिल्म का ट्रेलर पहले ही जारी कर दिया गया है। जी हां, फिल्म का ट्रेलर वर्ल्ड बाय रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जारी कर दिया गया है, जिसे भोजपुरी दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर में सभी मसाला मौजूद है जो भोजपुरी दर्शकों को पसंद आती है, तभी तो टेलर को यूट्यूब पर काफी तादाद में देखा जा रहा है। फिल्म के मुख्य कलाकारों की बात करें तो फिल्म में दिनेश लल्लादम निरहुआ के साथ आम्रपाली दुबे, यामिनी सिंह, कनक पांडे, संजय पांडे, सुशील सेन, प्रकाश जैस, बीआईबी विजेंदर जैसे मजे हुए कलाकार फिल्म में नजर आने वाले हैं। अब देखना यही होगा कि लल्लू की लैला भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है, या तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर लल्लू की लैला का काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है।